चलो अभी तक जो बताया है उसका मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एक मैंने आपको बताया ब्रेकर में, देखो ब्रेकर में क्या करना है, बी आर आपने किया ना, अब के आर बनाने के लिए पेंसिल ऊपर खींच लो, यहां से के मार लो, ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली के आर बन जाएगा। ठीक सर, अब सिमिलरली अदरवाइज लिखो, अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज में तो पहले आपको द हाँ आर बनाना है, ठीक, डब्ल्यू और सर्कल, अदरवाइज ऐसे बन गया। ठीक ये ठीक लिखा सर भाई। है, जो रिप्लेस है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिसमें क्या कहते हैं हुक बनाने में डिफिकल्टी महसूस होगी आपको, जहां पर भी हुक बनाने में आपका पेंसिल फंसे वहां पर आपको देखो क्या करना है, जैसे रिप्लेस में आए ऐसे मत करना, ऐसा हुक मत बनाना, आपको सिंपली क्या करना है आर बना पेंसिल पीछे खींच लो, पी सर्कल आर सर्कल, ये पोर्शन ऑटोमेटिकली पी एल बन गया। ठीक है, प्रीचर, ठीक सर, प्रीचर में मैंने बताया पी आर जे आर, पी आर ठीक जे आर, ये करोगे आप प्रीचर में। प्रेशर में आपको श आर बनाना है, टी आर श आर, प्रेशर सर्कल नहीं आएगा वहां पे। इसी तरीके से एंक्लोजर, एंक्लोजर में भी आपने सर्कल बनाया, देखो ये एंक्लोजर नहीं है, एंक्लोजर, य हमारे पास उसके लिए ठीक स्ट्रोक है, तो एन क्लो यर, ठीक ठीक है। हुक्स का जो ठीक चैप्टर है ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि हुक है ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें हाथ बिठाना पड़ेगा आपको अच्छे से। एनक्लोज ठीक लिखा है, प्रॉब्लम में मैंने आपको कहा एम को आप प्रॉपर लिखना। ठीक ब्लस्टर, ब्लस्टर देखो, ब्लस्टर में आप एसटीआर का लूप इस्तेमाल करो, आपने रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ा है, ब्लस्टर। ब्लस्टर में देखो फाइनल में एसटीआर का साउंड आ रहा है ना, एसटीआर का लूप बनाओ, अदरवाइज जो आप कर रहे हो वो लंबा तरीका है, डी एल सर्कल फिर टी के बाद डाउन और अप, ये लंबा तरीका है। एसटीआर की जॉइंट साउंड के लिए हमारे पास लूप है, बी एल इसी के ऊपर एसटीआर का लूप, ठीक कवरिंग वन ठीक थर्ड ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का एक तिहाई हिस्सा एलिप्टिकल लूप बना दो, एस टी आर का साउंड दे देता है। ब्लस्टर डबल, डबल ठीक है, बट इसमें आउ का डिप्थोंग क्यों लगा रहे हो इसमें सर साउंड पर, डबल ओ यू है ना सर, ओ यू। तो वो तो स्पेलिंग है, ओ यू क्या करेगा मेरे को, मेरे को साउंड तो अ का आ रहा है ना, हम इसको डबल नहीं ना पढ़ते हैं, इसको डबल पढ़ते डी हैं, ओ अ लाइट डैश सेकंड प्लेस, पी एल, हाँ वो भी आ सकते थे, लेकिन सेकंड इसको मैं जज प्लेस लाइट कर डैश पाऊंगा आएगा। सर, जेज तो मैं कर पाऊंगा सर फिडल में इसको। भी, फिडल में भी आपको थर्ड प्लेस लाइट डॉट बनाना है, आपने आई का डिफ्थोंग का है, क्योंकि ये वर्ड फाइडल नहीं है, ये वर्ड है फिडल, आई का डिफ्थोंग नहीं आएगा। फिकल में भी देखो साउंड पर जाओ यार, एफ डी एल, इसी तरीके से एफ के एल, फिकल थर्ड प्लेस लाइट डॉट, फिडल एफ डी एल थर्ड प्लेस लाइट डॉट, ठीक साउंड पर जाओ, ग्लोट है, ग्लोट ठीक है, फ्रेट फ्रेट ठीक है। अगेन टफर में भी यार ये वर्ड है टफर, आप इसको जी आर क्यों बना रहे हो, टगर नहीं है ये, टफर है, अशर एवरी करेक्ट अदर। हाँ टी ओ एफ प्रेशर में एफ आर श्योर, लगेगा, टी और टी एंड एफ हाँ आर एफ का हुक। बिल्कुल,
ये इसकी स्पेलिंग है, TOUGHER, ये तो इसकी स्पेलिंग है, बट इसको पढ़ते क्या है हम, टफर, साउंड क्या आ रहा है, टी और एफ आर, तो सिंपल टी और एफ आर, सेकंड प्लेस लाइट डैश अ का वॉवल साउंड, टी अ एफ आर, टफर। टफर अभी इतनी बनाई है, इस इसको मैं फिर से एक्सरसाइज को बनाऊं, कंप्लीट करो, इसको मैं फिर से बनाऊंगा सर। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, ठीक है? अगर ठीक डिफिकल्टी आए तो कोई बात नहीं, मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा आपके सामने कंप्लीट बना दूंगा, क्योंकि ये है डिफिकल्ट टॉपिक है।